हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन नॉलेज फॉर एग्ज़ाम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था, जिसे पॉलिटी कहते हैं हम इंग्लिश में। दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत को हम डिस्कस करेंगे। आज से हम डीपली डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर को, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को हम डिस्कस करेंगे। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, कृपया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, देखिए, इसमें भारत की जो राज्य व्यवस्था है, हम इसका एम लक्ष्मीकांत का पंचम संस्करण, जो पांचवा संस्करण है, उसी हमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। हम इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर को बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे। दोस्तों, देखिए, संवैधानिक ढांचा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, उसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें हम 3 पॉइंट होंगे, कंपनी के शासन और ताज का शासन, और इसके संदर्भ में सूची दी गई, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कंपनी का शासन 1773 से 1857 तक हम इसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, हम उसे डिस्कस करेंगे। देखते हैं ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो कब से स्टार्ट हुआ है। भारत के जो शासन हुआ था 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, और उस टाइम में जो महारानी थी वो एलिजाबेथ थी। उन्होंने क्या क्या चार्टर अधिनियम उन्होंने लागू किया, उसमें क्या था, कंपनी जिसके चार्टर अधिनियम के तहत क्या करती थी कंपनी, उसके कार्य अभी तक व्यापारिक और कार्यों तक ही सीमित थे। दोस्तों, जो 1765 में बंगाल और बिहार उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एम दीवानी न्याय के आधार पर प्राप्त कर लिए गए, इसके तहत भारत की क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, और इसे 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत में शासन उत्तरदायित्व तो प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1858 में क्या स्टार्ट हुआ था, वो सिपाही विद्रोह का भी स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 1858 में। अब यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्र प्राप्ति के अनावृत रूप से जारी कर दिया गया। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, उसी के बाद में ये संविधान के बनाने की मांग उठी, उसमें कब ये कार्य किया गया। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एसएन रॉय, दोस्तों, संविधान जो बनाने की जो सबसे पहले राय दी गई थी एसएन रॉय द्वारा, भारत के साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता उन्हें कहा जाता है, उन्होंने सुझाव दिया था 1934 में। दोस्तों, उसे 1946 में संविधान सभा का गठन और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। उसी जो एसएन रॉय द्वारा सुझाव दिया गया था, उसी के मद्देनज़र ये 1940 में संविधान सभा का गठन किया गया, और 1950 में संविधान पूर्णतः स्थापित हो गया। और यद्यपि संविधान राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएँ ऐसी थी जिनके ब्रिटिश समिति भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। दोस्तों, इन घटनाओं को क्रमवार ब्यौरा इसमें निम्नलिखित दिया गया है, हम उसको डिस्कस करते हैं। कंपनी का जो शासन हुआ था वो स्टार्ट हुआ था, और इसे हम देखते हैं, कंपनी का जो शासन हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1773 से लेकर 1858 तक। दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, हम उसे देखते हैं, इस अधिनियम का क्या महत्व था और ये क्यों ये लागू किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, ये एक संवैधानिक और ये इस अधिनियम का अत्याधुनिक संवैधानिक महत्व था। दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी वो कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए यह पहला कदम था। दोस्तों, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। 1773 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे राजनीतिक और नियमित कार्य के लिए एक मान्यता प्राप्त हो गई थी। दोस्तों, और इसके द्वारा भारत
में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। दोस्तों सेंट्रल जो प्रशासन होता है उसकी नींव रखी गई। अधिनियम की विशेषताएं क्या थी इसके, जो 1773 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट जो लागू किया था, इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया। दोस्तों एक बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक किस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया था। और उसी की सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे गवर्नर लॉर्ड वारिंग हैसिंग्स थे और इसके द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल जो थे वो बनाए गए। 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट थी उसके द्वारा ही मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल को पद दे दिया गया और इसी के अधीन बंगाल के गवर्नर जनरल अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंशिया के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। और इस एक्ट का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसी एक्ट के तहत मद्रास के और जो मुंबई के गवर्नर जनरल थे वो किसके अधीन हो गए, बंगाल के गवर्नर जनरल के। दोस्तों और अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1774 दोस्तों इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश का 3 अन्य न्यायाधीश को उनका पद दे दिया गया। और इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, इसके थोड़े से और क्वेश्चन इसमें पॉइंट दिए गए। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने के और भारतीय लोगों को उपहार में रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों जो उपहार में राशि दी जाती थी भारतीय कर्मचारियों को, उसको ब्रिटिश सरकार ने रिश्वत का नाम देकर उसको प्रतिबंधित कर दिया था। और इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी का गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त होगा। दोस्तों क्या किया इस अधिनियम में, ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जो कंपनी के गवर्निंग बॉडी दोस्तों के माध्यम से जो कंपनी को नियंत्रण करने का कार्य करते थे। इसी में से भारत में एक राजस्व, इसके एक नागरिक और सैन्य मामलों में जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर देगा। दोस्तों भारतीयों पर क्या क्या इस पर बैन लगाई गई, राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। और इसके बाद में 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आता है। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, ये ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से किस एक्ट को जाना जाता है, 1774 का पीट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसी के बाद में एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में दूसरा जो एक्ट आया वो अस्तित्व में आया। और इसी के बाद में क्या हुआ, अब इसी अधिनियम की विशेषताएं क्या थी जो ये अधिनियम ये लागू किया गया। दोस्तों इस अधिनियम की विशेषताएं के बारे में हम देखते हैं। अधिनियम की विशेषताएं, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया, मतलब कि अलग अलग कर दिया, राजनीतिक मामले और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। इसके निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधिकक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रतिबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। दोस्तों इसमें क्या गया, इसमें निदेशक मंडल जो था उसने एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल को गठन किया और इस प्रकार से दिव्य शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हो गया। और दोस्तों नियंत्रण बोर्ड की यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रण भारतीय में सभी नागरिक सैन्य सरकार राजस्व गतिविधियों के अधिकक्षण में नियंत्रण कर देगा। दोस्तों इसमें क्या था, नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो वो क्या करता था, वो सैन्य अधिकारी और सभी नागरिक और राजस्व गतिविधियों और अधिकक्षण जो होते थे उन पर निगरानी का कार्य करता था। और इस प्रकार अधिनियम के दो कारणों में महत्वपूर्ण था यह अधिनियम। पहला तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र में पहली बार और ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा था ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। दोस्तों
और अब इसके नेक्स्ट जो और टॉपिक दिए गए हैं उसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। इस प्रकार इस अधिनियम में पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। दोस्तों इसमें क्या क्या, इसमें एक ऐसी सरकार का गठन किया गया कि जो ब्रिटिश सरकार से बिल्कुल अलग थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने आज़ाद भारत के बाद में, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसमें इनके मद्रास और मुंबई के गवर्नरों के विधायिका की संबंधी शक्ति को वांछित कर देगा और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायकी की असीमित अधिकार प्रदान कर देंगे। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया। नियामक कानून जिसे मतलब कि जो नियमित होता है उसे नियामक कानून कहा गया। नए कानून के तहत बने कानूनों को अधिनियम कहा गया। दोस्तों जो नए कानून बनते थे उन्हें एक्ट या अधिनियम कहते हैं। दोस्तों इसमें उस समय भी अधिनियम या एक्ट कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। दोस्तों चार्टर एक्ट 1873 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। दोस्तों सिविल सेवा जो परीक्षा हुई थी स्टार्ट हुई थी दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 में, उसमें क्या था, उस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। दोस्तों इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद या कार्यालय या रोजगार में हासिल करने से वांछित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। जो बाद में इस प्रावधान को 1833 में जो सिविल सेवक प्रतियोगिता के लिए एक प्रतियोगिता स्टार्ट की गई थी उसे बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को निरस्त या समाप्त कर दिया गया। दोस्तों 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। अब 1793 से लेकर 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता निम्न अनुसार थी। अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं। दोस्तों अधिनियम की विशेषताएं थी कि इसमें पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर देगा और इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जुड़े गए और इन्हें विधान परिषद कहा गया। जो 6 नए पार्षद जुड़े गए थे उन्हें विधान परिषद कहा गया और दूसरे शब्द में इन्हें गवर्नर जनरल के रूप में कई विधान परिषद का गठन किया गया। दोस्तों दूसरे शब्दों में इन्हें कहा गया गवर्नर जनरल के नए विधान परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। दोस्तों इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार में विशेष कार्य के रूप में जाना गया जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की ज़रूरत थी। दूसरी इस अधिनियम की विशेषता थी कि इसमें सिविल सेवकों की भर्ती के लिए चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में काले समिति को नियुक्त किया गया। दोस्तों और तीसरा है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी कंपनी के शासन को विस्तृत कर देगा और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार देगा। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया और इसमें स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट इसमें था, इसमें प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुभारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से चार का चुनाव बंगाल, मद्रास और मुंबई और आगरा के स्थानीय प्रत्यय सरकारों द्वारा किया जाना था। दोस्तों और नेक्स्ट जो शासन आता है वो ताज शासन आता है 1858 से लेकर 1947 तक, और ताज का शासन इसे बोलते हैं। दोस्तों 1858 का भारत का शासन अधिनियम। दोस्तों इस अधिनियम में क्या था, इस अधिनियम में महत्वपूर्ण कानून का निर्माण हुआ 1857 के विद्रोह के बाद यह किया गया जिसमें भारत का स्वतंत्र संग्राम और सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है।
भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून को ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर और गवर्नरों क्षेत्रों राजस्व संबंधी शक्तियों ब्रिटिश राज्यों को हस्तांतरित कर देगी दोस्तों। और नेक्स्ट इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, इसमें इसके अधिनियम की विशेषताएं थी, इसके तहत भारत के शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चलेगा और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर देगा। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत में प्रथम वायसराय थे दोस्तों। जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम वायसराय जो बनाए गए भारत के, वो थे लॉर्ड कैनिंग दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये भी। और दोस्तों इस अधिनियम को नियंत्रण बोर्ड के निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन द्वित प्रणाली समाप्त कर देगी और एक नए पद भारत के राज्य सचिव और का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व था दोस्तों। और इसमें क्या था, इसमें नेक्स्ट जो इसका आया है इसमें पॉइंट, इसके भारत के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाएगा और इसमें इस कानून के तहत भारत सचिव को परिषद का गठन किया गया और इसमें निगमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 में कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था और जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत सरकार का अधिकक्षण और नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कई विशेष परिवर्तन किए दोस्तों। 1861 और 1892 और 1909 में भारत परिषद अधिनियम जो आया, 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861 और 1892 और 1909 में तीन अधिनियम पारित किए। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था दोस्तों। 1861 का भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तृत परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया दोस्तों। 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने किन तीन भारतीयों को मनोनीत किया था, वो बनारस के राजा थे और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इस अधिनियम ने मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा हुई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1873 के चार्टर अधिनियम के साथ अपने चरम पर पहुँच गया दोस्तों। इस विधायी विकास नीति के कारण 1937 तक प्रांतों के संपूर्ण आंतरिक स्थायित्व हासिल होगी। तीसरा पॉइंट है बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ और दोस्तों इसमें इन्होंने चौथा जो पॉइंट है, इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय का की परिषद का एक सदस्य और अधिकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था दोस्तों। जो फिफ्थ पॉइंट है, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया और अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। और नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट दिया गया है, उसमें 1892 का जो अधिनियम है उसी के बारे में दिया गया है। इसी अधिनियम की विशेषताएँ क्या थी, इसके बारे में हम देखते हैं।
फर्स्ट पॉइंट है इसमें इस अधिनियम में केंद्रीकरण और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। और सेकंड पॉइंट है इसमें विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया दोस्तों। और थर्ड जो पॉइंट है इसमें केंद्रीय विधान परिषद बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी संसाधनों का नियामकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद के गवर्नर को जिला परिषद नगर पालिका इसके अलावा इसमें प्रांतीय विधान परिषदों को गवर्नर को जिला परिषद नगर पालिका और विश्वविद्यालय व्यापार संघ जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सिफारिशों का गैर सदस्यों को नियुक्ति करने की शक्ति थी दोस्तों। और नेक्स्ट इसमें है इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों को गैर सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए समिति एक प्रोक्स रूप में चुनाव का प्रावधान, हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम प्रयोग नहीं हुआ। इस निश्चित निकाय की सिफारिश पर किए जाने वाले नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। 1909 का अधिनियम की विशेषताएं जो थी उसमें हम देखते हैं, इस अधिनियम में मोरलो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मोरलो मिंटो सुधार आंदोलन किस नाम से जाना जाता है 1909 के अधिनियम से भी जाना जाता है। 1909 का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, मोरलो मिंटो सुधार अधिनियम सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दोस्तों इसमें उस समय लॉर्ड मोरले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे दोस्तों। इसी वजह से इस अधिनियम के या इस सुधार अधिनियम के जो नाम पड़ा है मोरले तो थे, लॉर्ड मोरले भारत के सचिव थे और मिंटो जो थे वो मिंटो लॉर्ड मिंटो वो वायसराय थे भारत के। और इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई, प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या का एक समान नहीं थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बनाए रखा लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों का विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया, उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखना आदि दोस्तों। इस जो विधान परिषदों में जो चर्चा की जाती है उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन जो चलता है उसमें वो इसी अधिनियम के तहत किया गया। और नेक्स्ट इसमें जो है वो देखें, फोर्थ पॉइंट है इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विदेश सदस्य बनाया गया था दोस्तों। इस अधिनियम के पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम के सांप्रदायिकता की वैधानिकता प्रदान और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है, उसे वो कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। और पॉइंट सिक्स इसमें है, इसने प्रेसिडेंशियल कॉरपोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया दोस्तों। 1919 का भारत अधिनियम जो था भारत शासन अधिनियम 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में कार्मिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है दोस्तों। और कार्मिक रूप से 1919 में भारतीय शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मोंटेंक चैम्फोर्ड सुधार भी कहा गया। मोंटेंक चैम्फोर्ड सुधार इसे क्यों कहा गया, मोंटेंक भारत के राज्य सचिव और जबकि चैम्फोर्ड भारत के वायसराय थे। और नेक्स्ट है इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, केंद्र और प्रांतीय विषयों की सूची का पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों के केंद्रीय नियंत्रण का काम किया गया और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद को अपनी सूची के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रावधान किया गया। लेकिन सुधार का ढांचा केंद्र एकात्मक ही बन रहा दोस्तों। और
दोस्तों इसमें केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूची के विषय का विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, और लेकिन सरकार का ढांचा केंद्र के एकात्मक ही बना रहा। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सेकंड जो पॉइंट है इसमें, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, स्थानांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। इस विषय में इस कार्य को वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था में देवत यूनानी शब्द डाई आर की डाई आर की से व्युत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही। जो थर्ड पॉइंट है, इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों का बहुसंख्यक सदस्यों की प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। और फोर्थ पॉइंट है इसमें, इसके अनुसार वायसराय की कार्य परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य का भारतीय होना आवश्यक था। और इसमें नेक्स्ट जो 5 पॉइंट है, इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो भारतीय और यूरोपीय के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तृत कर देगा। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर समिति की संख्या में लोगों को मत अधिकार प्रदान किया। और नेक्स्ट पॉइंट जो 7 पॉइंट है इस कानून के लंदन में भारत में उच्चायुक्त के कार्यालय का सर्जन किया गया। अब तक भारतीय सचिव द्वारा किया जा रहा है कुछ कार्य को उच्चायुक्त के स्थानांतरित कर दिया गया। और 8 तो जो पॉइंट है इसमें, 8 पॉइंट है दोस्तों, इसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और अत्यंत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। दोस्तों यूपीएससी का जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है उसका गठन कब किया गया, 1926 में इसका गठन किया गया। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया, और राज्य विधानसभाओं का अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर देगा। और 10 पॉइंट जो है इसमें, 10th पॉइंट, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। और नेक्स्ट जो आता है वो आता है साइमन कमीशन। बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइमन कमीशन भी। दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय में 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य संवैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसीलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वितीय शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तृत विस्तार और ब्रिटिश सरकार में संघ की स्थापना और संवैधानिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने के लिए आदि सिफारिश की। दोस्तों और फिर आता है आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और भारत रियासतों का प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों में श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संयुक्त परिवार समिति के समक्ष रखा। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। दोस्तों और सांप्रदायिक अवार्ड किसे बोला जाता है, दोस्तों इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन, ओंगले, ओरिएंटल भारतीयों के लिए अपना अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि
ऐसे दलितों के लिए भी विस्तृत कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यस्थापित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना के जरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंत कांग्रेस नेताओं ने दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसने पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पूना समझौता को क्यों किस नाम से जाना जाता है या दलित समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कांग्रेस नेता और दलित नेताओं के बीच में एक समझौता हुआ था, इसे क्या बोलते हैं, इसे पूना समझौता या पूना समझौता इसे बोलते हैं। इसमें संयुक्त हिंदी निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। और नेक्स्ट आता है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी और सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, इस अधिनियम की विशेषताएं के बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, इस अधिनियम की विशेषता थी, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों के एक इकाई की तरह। अधिनियम ने केंद्रीय और इकाइयों के बीच 3 अनुसूचियां, संघीय सूचियां 59वीं से 59 और राज्य सूचियां 54 मतलब कि 54वीं से समाप्तवर्ती सूची दोनों के लिए 36वीं से के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। और नेक्स्ट जो है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें प्रांतों के दैत्य शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा प्रांतीय स्वायत्तता शुभारम्भ किया गया और राज्य को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों का शासन अधिकार देगा। और इसके अतिरिक्त अधिनियम में राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करने की आवश्यकता थी। आवश्यकता यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई, 1939 में इसे समाप्त भी कर दिया गया दोस्तों। और थर्ड जो पॉइंट है, इसमें केंद्र में दैत्य शासन प्रणाली का शुभारम्भ किया गया। परिणाम स्वरूप इसमें संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषय में विभक्त करना पड़ा, हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, इसमें 11 राज्यों में से 6 द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत और असम में द्वितीय शासन विधान परिषद और विधानसभा बन गई, हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इसने दलित जातियों और महिलाओं को मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, सिक्स जो पॉइंट है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। और सेवन जो पॉइंट है, इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। और एट पॉइंट है जो इसके अंतर्गत देश की मुद्रा को साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। दोस्तों, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग को 2 राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। दोस्तों, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 1947 ये अधिनियम क्या है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली की ने घोषणा की कि 30 जून 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता में आई उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 में ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेगा। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन का को योजना की योजना पेश की जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। दोस्तों, इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस
प्रकार भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 1947 बनाकर उसे लागू कर देगा। अधिनियम की विशेषताएं क्या थी दोस्तों? इस अधिनियम की विशेषता थी कि इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर देगा और 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और सुप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। दोस्तों इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियों और सुप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया, जिसकी नियुक्ति पर राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करना था। इन पर ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था होना था। और फोर्थ जो पॉइंट है इसमें दोस्तों, इसमें दोनों डोमिनियन राज्य संवैधानिक सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने दोस्तों फोर्थ पॉइंट है जो हम इसे एक बार फिर रिवाइज करते हैं। इसमें दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और इसके लिए एक किसी भी देश का संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकते थे, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्र अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार भी था। और दोस्तों फिफ्थ जो ऑप्शन है इसमें, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों को संविधान सभाओं की यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान निर्माण और कार्यान्वित और अपने संबंध क्षेत्रों को विधानसभा बना सकती हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है जो इस कानून ने ब्रिटेन में भारतीय सचिव का पद समाप्त कर दिया और इसके सभी शक्तियों को राष्ट्रमंडल मामलों में राज्य सचिव को स्थानांतरित कर देगा। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इसमें, इसने 15 अगस्त 1947 में भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश से प्रभुता को समाप्त की भी घोषणा की और इसके साथ ही अंतिम सरकार अंक तालिका इसमें ये रही, जो भारत में अंतिम जो सरकार बनी, सबसे अंतरिम जो नई सरकार जो बनी थी दोस्तों, उसमें अंक तालिका इसमें दी गई है। इसमें सदस्य जो थे उसमें सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जनतमय जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, सचिन बाबा, लियाकत अली खां, अब्दुल रब निशार, आशिफ अली, श्री राजागोपाल, श्री जोगेंद्रनाथ गजनार अली खान अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्य परिषद की सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहना, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। भारत के पहला मंत्रिमंडल जो था उसमें दोस्तों, इसमें जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का जो 1947 में जो भारत को आज़ाद होने के बाद एक मंत्रिमंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों, उसमें जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों और वैधानिक शोध के लिए इन्हें विभाग दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना प्रशासन एवं राज्यों के मामले और राजेंद्र प्रसाद को दिया था कृषि और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया था और डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन और आर के पूर्णमुगम शेट्टी वित्त मंत्री थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि, जगजीवन राम श्रम मंत्री सरकार, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री और राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, सी एच बाबा ये वाणिज्य मंत्री थे, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, वी एन गडगिल कार्य एवं खयान मंत्री। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर। दोस्तों आज हमने डिस्कस किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो भी मेरे दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट किया हो, कृपया वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान के निर्माण के हम जो सेकंड चैप्टर होगा उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।